हाय गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, आज हम खेतों में नहीं, मोबाइल में इंस्टाग्राम में फवारे चलाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो आपने जो स्टार्टिंग में देखा, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेंडिंग में वीडियो दोस्तों, और आसान स्टेप में इस वीडियो को बना सकते हो। जैसे ब्लैक वाला इफेक्ट कैसे हिलता है, बीच में व्हाइट वाला इफेक्ट आता है। वीडियो आपको दोस्तों ब्लैक पर्दे पर शूट करना है, मैंने यहाँ पर ब्लैक पर्दे पर शूट नहीं किया है। तो आपको एक अच्छा सा इंस्टाग्राम के कैमरे से या अपने कैमरे से आपको वीडियो शूट कर लेना है। मटेरियल जो भी यूज़ करूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मास्टर से बनाएंगे। और कैसे बनाना है दोस्तों, एक दो स्टेप है आपको फॉलो पूरे करने हैं, तभी आप बना पाओगे। तो काइन मास्टर को ओपन कर रखा, क्रिएट न्यू पर टिक कर लेना है, और नो सोलर ग्रेशर सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट पर टिक कर देना है। सबसे पहले दोस्तों आपको ये वाला वीडियो जो है ऐड कर लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख लेना, जैसे वाइट इफेक्ट यहाँ से आ जाता है, तो कैंची पर टिक करके ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड कर लेना। सॉरी दोस्तों, इसका पहले साउंड एक्सटेंड करेंगे तो एक बैक चले जाते हैं, फिर से इसको एक्सटेंड कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फिर से ऊपर आके कैंची पर टिक करके ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड कर लेना है, ठीक है। साउंड आपका नीचे आ जाएगा, दोबर से ऐड नहीं करना पड़ेगा। अब आपने वाला जो वीडियो मीडिया पर टिक करके आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है, ठीक है। जो आपको एक्स्ट्रा पार्ट लगे उसको आपको यहाँ से काट लेना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर और काट लेता हूँ, तो इतना ट्रिम कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको एक बार फिर से इसी पर टिक कर लेना है, इस वाले बीच वाले बॉक्स पर टिक करना है, इक्वल कर देना है, और आपको यहाँ पर शेड कर देना है। यहाँ पर शेड करने बाद एक बार फिर से ओके कर देना है दोस्तों। अब आपको यहाँ पर जहाँ से भी एंगल चेंज करते हो वहाँ से आपको स्लोमो जैसे देना है। तो कैंची पर टिक करके ट्रिम टू आपको फ्लेहेड दो भाग कर लेना है, बैक चले जाना है, स्पीड पर जाके आपको इस तरह से स्लो मोशन कर लेना है इस वीडियो को आगे वाले को, ठीक है। अब यहाँ पर साउंड के एंड तक आके इस वीडियो पर टिक करके कैंची पर टिक करके ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड कर लेना है। अब आपको इस वीडियो की आपके क्लिप की जो स्टार्ट किए हैं कट की थी हमने, इसकी स्टार्ट ड्यूरेशन पर आ जाना है, लेयर पर टिक करना है, मीडिया पर टिक करना है, इमेज पर टिक करना है, वाइट कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, इसको फुल कर लेना है, और इस तरह से आपको जूम कर लेना है। अब आपको और लेगा एनिमेशन दिख रहा है और फ्लिकर दिख रहा है, इस पर टिक कर लेना है, फिर से यहाँ पर स्टार्ट में आ जाना है, इस बैकग्राउंड को पहले ऐड करना है, ध्यान रखना। अब आपको एक बार फिर से लेयर पर टिक कर लेना है, और मीडिया का ऑप्शन है इस पर टिक कर लेना है, एक वीडियो आपको ये वाला ऐड करना है, ठीक है। आपको ये बॉक्स दिख रहा है, इस पर टिक कर लेना है, और सेकंड वाले बॉक्स पर टिक करके इसको आपको फुल स्क्रीन इस तरह से कर लेना है। इस वाले पर टिक करके आपको आगे वाला भाग है जो भी आपको ट्रिम कर लेना है, ठीक है। यहाँ से नहीं हो रहा है तो यहाँ से कर लेते हैं। अब आपको स्टार्ट में आना है, स्क्रीन पर टिक करना है, इस पर फिर से टिक करना है, नीचे चले जाना है, आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर टिक करना है, मल्टीप्लाई करना है, और ले करोगे तो यहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट ख़राब हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों वीडियो आपका कंप्लीट बन चुका है। दोस्तों आप देख सकते हो, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपका भाई रिक्वेस्ट करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, इस एरो पर टिक करके आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।